हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज, एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग मैंने शुरू कर ही दिया है, तो माफ़ी चाहूँगा आज मैंने ब्लॉग थोड़ा सा देर में शूट कर रहा हूँ, यानी अभी बज गए हैं 11, तो अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं छानी से अपना जो न्यू ब्लॉग है शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं सुबह छानी आ गया था, एंड बाकी पापा भी आए थे मेरे साथ सुबह। तो पापा तो अब चले गए बड़कोट, यानी अब मैं यहीं पे अकेला हूँ। एंड सबसे पहले तो आपको एक न्यू वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये नया वर्ष हो गया आज से शुरू, तो आज है 1 जनवरी 2023। तो आपको बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस न्यू वर्ष में अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास करेंगे या अच्छा कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो बाकी गाइज, आज का जो मौसम है वो है काफ़ी सुहाना। देखो गाइज, आज का मौसम ऐसे आपको दिख ही रहा होगा, इस साइड आर के बादल एंड इस साइड आर की धूप एंड इस साइड कुछ नहीं, बादल ही बस। तो बाकी गाइज, आज मैं अकेला छानी में हूँ, छोटा भाई आएगा बाद में तो पता नहीं, लेकिन अभी फाइनली मैं भी अकेला हूँ। तो देखते हैं क्या क्या काम था यहाँ पे, वो मैंने कर लिया है पूरा। जो यहाँ पे काम था सारा लगभग मैंने कर लिया है कंप्लीट, इसलिए मैं आज ब्लॉग शूट देर में कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से घर का सारा काम करें हम, तो किसान है, पशुपालन करते हैं, तो वही जाता है घर पे थोड़ा पशु के लिए चारा चूरा लाना एंड गोबर गावर निकालना, तो अपने के लिए खाना खुना बनाना, सभी मतलब ऐसे ही हो जाता है, टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं लगता आजकल, ऐसे दिन थोड़ा सा छोटे हैं। तो चलते हैं, थोड़ी देर करते हैं इन्जॉय, यानी नीचे आ रखे हैं कुछ भाई बंधु, तो नीचे वाले छानियों में चलते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ये समझो। तो बाकी बने रहिए ब्लॉगिंग में, एंड चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड साथ में बेल आइकन बटन जो है इसको भी प्रेस कर लेना, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो बाकी हमारी प्यारी सी गाय, अभी ये मैंने काट के लाया इसके लिए भी, तो देखो अभी प्यार से खा रही है। तो बाकी चलते हैं नीचे गाइस, बने रहिए व्लॉगिंग में, लेट्स गो। अभी हम आ रखे हैं क्रिकेट खेलने एक छोटे से खेत में, तो आगे देखिए सक्षम रावत, तो ये हमारे बल्लेबाज दिव्यांशु, इनको क्या बोले यार गाइस, तो क्रिकेट लवर है। और ये हमारे छोटे भाई बस, तो आ गया बड़ी प्यारी सी बॉल लेते हुए और सक्षम सक्षम ए विकेट, और यहाँ पे नॉट आउट डेड बॉल, तो डेड बॉल थी इसलिए नॉट आउट का स्टेशन, लेकिन मेरी कबड्डी में आई बॉल और ये वो भाई, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इनके साथ मजाक करने में। तो दीपू भाई ने यहाँ पे कितने रन बनाए अभी, एक रन, मात्र एक रन, दो बॉल में एक रन। बाकी गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है क्रिकेट खेलने में, तो थक भी काफ़ी गए हैं इनको, स्माइल इनकी स्माइल बहुत तगड़ी है। तो गाइस चलो अभी आ गए हैं हमारे दूसरे बॉल लेते हुए, या और अब दो विकेट है गाइस, इन्हें देख के मुझे ऐसी आ रही है, लेकिन अब मैं खुद जाऊंगा गाइस राउंड, तो देखते हैं। ये पहली मिस है, और ये देखिए ब्लॉगर बहुत खुश होते हुए गाइस। अभी आ रहा हूं मैं फाइनली यहां पे, घास जो गाय का लिए चारा होता है, घास ही नहीं तो ये, तो अभी हम इसको लेके जाएंगे पीठ में, तो थक काफ़ी लग गई है, थोड़ी देर हमने क्रिकेट खेला, बाकी अभी बॉल भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी थक लग गई है एंड साथ में भूख भी लग रही है, तो ले जाते हैं घर तक।
तो शायद इस टाइम ब्लॉग ना बना पाऊँ, तो बाकी चलता हूँ आपको घर ही पे मिलता हूँ सीधे उसके बाद, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, चलो घर पे मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, तो जो यार का बाहर है हमने यार लकड़ियों के पीछे रखा हुआ है यहाँ पे, तो बाकी लकड़ी घास भी हमने ला दिया है, तो ठंड काफ़ी लग रही है क्योंकि यहाँ पे बादल बादल आ रखे ऊपर, यानी धूप छुप गई है, यानी बारिश का मौसम है, अब बर्फ़ भी पड़ जाएगी कुछ दिनों बाद। यानी गाइस पहले तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, लेकिन उससे पहले यानी पिछले साल 2022 में जब जनवरी का महीना था, यानी शुरू हो गया था जनवरी का महीना, अब 2023 का जनवरी हो गया शुरू, तो 2022 का जब जनवरी था तो उस समय तब तक यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ गई थी, लेकिन इस बार अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन पिछले बार मेरा कहने का था कि पिछले बार इस समय के लिए बर्फ़ पड़ चुकी थी इस एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन इस बार बारिश ही नहीं हुई, बर्फ़ कहाँ से पड़नी गाइस। तो बाकी ठंडा काफ़ी हो रहा है अभी, हाँ ठंडा लग रहा है गाइस काफ़ी, देखो यहाँ पे बादल बादल ही बादल, धूप इतने में धूप, तो धूप भी छिप रखी है बादलों के पीछे। बाकी हमारी गाय एंड बैल, दूसरा बैल इसका दूसरे दादी होरों के पास है। तो बाकी गाइस भाई एंड जार का भी कहीं किसी काम से, तो अभी मैं ही हूँ अभी सिंगल घर पे, तो चलेंगे इसके बाद बड़कोट, हाँ ठंड लग रही पर बड़कोट चलेंगे गाइस इसके बाद, यानी 5 बजे करीबन यहाँ से हम चल देंगे बड़कोट के लिए, तो अभी बज गए हैं 3:30, यानी 1.5 घंटे बाद हम चल देंगे यहाँ से बड़कोट, तो गाइस चलते हैं बड़कोट, तो बाल बुल भी बनाने गाइस, यहाँ देखो कितने बड़े हो गए बाल, तो आज चलते हैं बाल भी कटवाते हैं शाम के टाइम बड़कोट, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है ब्लॉगिंग में, गाय को भी प्लान है इसके बाद, फिर दूध भरना है बोतल में, फिर चलना है बड़कोट, तो मिलते हैं गाइस। गाइस दूध मैंने ले लिया है यानी भर लिया है, तो चलते हैं अब बड़कोट, एंड भाई तो चलेगी आगे, तो चलते हैं आपको सीधे बड़कोट में मिलते हैं आपको गाइस, तो चलते हैं यहाँ से बड़कोट, तो अभी बज गए 5 बज चुके हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो आज देर हो गई है, तो बाकी चलते हैं बड़कोट और आपको बड़कोट ही मिलते हैं, देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं बड़कोट, वैसे तो पहुँच जाऊँगा मैं 5:30 बजे, तो चलते हैं बड़कोट, लेट्स गो। सो गाइस तो फाइनली आ चुका हूँ मैं बड़कोट, और अभी मैं हूँ अपने रूम में, एंड भाई यहाँ पे काम कर रहा है स्कूल का, तो गाइस मिलते हैं, बस आज का ब्लॉग इतना ही है, तो आज काफ़ी थक गया मैं, तो गाइस आज का ब्लॉग बस कुछ इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग में, तो तब तक बने रहना, एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन बटन जो है प्रेस करना, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड कमेंट करना, तो बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो गाइस आज के ब्लॉग में उतना खास नहीं बना पाया आपके लिए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एंड इससे अच्छे ब्लॉग में आऊँगा मैं आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।